उठो वरना लेट हो जाओगे। क्या कर रही हो? पर्दा लगाओ। आज तो आपकी इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है ना, जल्दी से तैयार हो जाइए वरना लेट हो जाएंगे। और माँ भी आपको पूजा में बुला रही हैं। माँ और माँ की पूजा यार। सुधा, बेटा सुधीर को उठा दिया? जी माँ। ठीक है, कम से कम ऑफिस जाने से पहले भगवान के सामने हाथ जोड़कर तो जाएगा। पता नहीं किस पे गया है, मुझे तो कई बार शक होता है मेरा बेटा है भी या नहीं। अस्पताल में बदल तो नहीं गया था? आप पूजा शुरू कर दो माँ जी, आपको तो पता ही है अगर दोबारा बुलाने गई तो चार बातें सुनाएंगे। अरे कल खुद ही तो कह रहा था कि उसकी ऑफिस में कोई ज़रूरी मीटिंग है, और अगर वो अच्छी हो गई तो उसे बहुत बड़ा फायदा होगा। अब जिसके लिए सुबह सुबह ये सब कर रही हूँ मैं, अगर वो ही नहीं होगा तो? हाँ, जैसे पहले की सारी मीटिंग्स तो तुम्हारे भगवान ने ही पूरी कराई है। हाँ, करने वाले यही हैं, पर तेरे जैसे लोग सोचते हैं कि सब उनकी अकल से हो रहा है, जो उनके पास होती नहीं है। क्या कहा? क्या उनकी अकल से? नहीं नहीं उससे पहले। छोड़ो ना, तुम भी। अरे नहीं सुधा, तुम जानती नहीं हो, माँ जो मुंह में कह जाती है ना बात, वही असली बात होती है। अच्छा चलो अब हाथ जोड़ लो, कम से कम माँ के लिए कर दो। तुम भी ना सुधा, बेकार की बात करती हो। अच्छा मुझे बताओ, भगवान है कहाँ? क्यों? मंदिर में तेरी मूर्ति है? ओह, तो ये है तुम्हारे भगवान, सर्वशक्तिशाली सर्वशक्तिमान, जो कुछ भी कर सकते हैं। माँ इनका नाम क्या है? कृष्ण मुरारी। क्यों, तू नहीं जानता क्या? कृष्ण मुरारी? अगर मैं कहूं कि यह कृष्ण की नहीं सुधीर की मूर्ति है, तो क्या तुम्हारे भगवान यहां आके यह सिद्ध कर सकते हैं कि यह मूर्ति उनकी है मेरी नहीं? सुधीर तू बिल्कुल मूर्ख है, बिल्कुल पागल। जा, मैं तुझसे बात ही नहीं करती। लो देख लिया अपने भगवान का जलवा, सुबह सुबह माँ बेटे में झगड़ा करवा दिया। चलो भाई हम तो चलते हैं अपने काम में, आप लोग कीजिए पूजा। पक्का अस्पताल में बदल गया ये। सो गया नास्तिक? हाँ माँ। अच्छा उसकी मीटिंग का क्या रहा? हाँ बता रहे थे कि डील फाइनल हो गई है और बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। सच? इसमें बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बस एक ही नास्तिक गिरी छोड़ देना। नहीं नहीं माँ जी, वो नास्तिक नहीं है, बस उन्हें हर बात का लॉजिक चाहिए होता है। बचपन से देखती आ रही हूँ इसे, हर बात में लॉजिक, हर बात में लॉजिक, अब तो पूजा पाठ में भी लॉजिक देखने लगा है। अच्छा तू ही बता, हर बात में लॉजिक होता है क्या? अब आदमी मर के कहाँ जाता है, इस बात का लॉजिक है? शरीर तो यहीं पड़ा रहता है, फिर वो ऐसी कौन सी चीज है जो निकल कर चली जाती है? देख बेटा, कुछ बातें ऐसी हैं जो हम सदियों से मानते आ रहे हैं और उन्हें मानना भी चाहिए। बात तो आप ठीक कह रही है माँ, पर इन्हें कौन समझाए? अच्छा वो सब छोड़िए, आप दूध पीकर आराम से सो जाइए। देख कितनी बार कहा है सुधा मेरे पैर मत छुआ कर, आ गले लग। वाह सुबह सुबह हलवा, देखे तो कैसा बना है। मेरे भगवान का प्रसाद है। अरे भाई कहाँ है तुम्हारे भगवान? सब जगह है मेरे भगवान। इस प्रसाद में भी भगवान है? हाँ है, पर तेरे सामने ढोल पीटने का फायदा क्या है ये बता।
अरे नहीं माँ, तुम तो जानती हो मैं थोड़ा जिद्दी किस्म का इंसान हूँ। तुम ना बस अपने भगवान से मुझे मिलवा दो। क्या ना कि तुम्हारी बातें मुझे समझ में नहीं आती। तुम कहती हो इस प्रसाद में इस सूजी शक्कर, इसमें भी भगवान है। तू जाना, मेरा दिमाग मत खराब कर। पर हाँ, मेरे भगवान सर्वव्यापी हैं। पर क्या है ना, आजकल कलयुग है, घोर कलयुग, इसीलिए तो वो किसी को दिखाई नहीं देते। और इसीलिए मुझ जैसी औरत के घर में तुझ जैसा बेटा पैदा हुआ है। सुधा, अरे सुधा, तुम सर्वव्यापी क्यों नहीं हो जाती? क्या ये सब? अरे आज मगन भाई की मूर्ति पूजा है, इसलिए तुम्हें लाई हूँ। तुम मुझे क्यों लेके आई हो? तुम्हें पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है। जय श्री कृष्ण। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापना की है। पश्चात स्थापना की है तो कीजिए ना, मुझे क्यों बुलाया? मगन भाई आपको तो पता है मुझे ये सब समझ में नहीं आता। इसमें समझने की बात है, भगवान तो हमारी तुम्हारी जिंदगी के मालिक है। आपकी जिंदगी के होंगे, मेरी जिंदगी का मालिक मैं खुद हूँ। और वैसे भी मगन भाई, माँ बाप कब से अपने बच्चे की जिंदगी के मालिक होने लगे? मेरे दो बच्चे हैं और दोनों हॉस्टल में, तो क्या उनकी जिंदगी का मालिक मैं हो क्या? अगर ऐसा होता तो वहां हॉस्टल में मेरी और सुधा की मूर्ति स्थापित करनी पड़ती। सर, ये आपके वही दोस्त है ना जो भगवान में विश्वास नहीं रखते? हाँ। कभी ने हमारे चैनल के उस कार्यक्रम में लाइए, ईश्वर अल्लाह की, इसके नाम बहुत अच्छा बोलते हैं, हमारी टीआरपी भी बढ़ेगी। सुधा बेटा, ये सुधीर अपने आप को बहुत बड़ा नास्तिक समझता है। वाह, आपकी बात नहीं मानो तो नास्तिक। मगन भाई, मैं हर चीज में लॉजिक देखता हूँ। आप लॉजिक दे दो, मैं आपकी बात मान लूंगा। अगर भगवान हर जगह है तो फिर हर जगह इतनी सारी गंदगी क्यों? क्या वहां भी भगवान है? ठीक है सुधीर, अगर आपकी बातों में इतना लॉजिक है तो आप हमारे चैनल पर आके बोलिए, अगर आप में इतना दम है तो। मगन भाई, मुझे कुछ भी प्रूफ करने का कोई शौक नहीं है। क्या आप डर रहे हैं सर? अच्छा बता देना स्टूडियो कब आना है। नमस्कार, हमारे कार्यक्रम ईश्वर अल्लाह किसके नाम में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं सुधीर चतुर्वेदी जी और हमारा विषय है परमात्मा सर्वव्यापी है या नहीं। सुधीर जी, ये कहा और माना जाता है कि ईश्वर अल्लाह वाहेगुरु जो भी उसका नाम है वो सर्वव्यापी है, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, आप कहते हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ईश्वर सर्वव्यापी है, पर अगर वो है तो फिर हर जगह शांति क्यों नहीं है? दया क्यों नहीं है? लोगों के मन में प्रेम क्यों नहीं है? अगर ईश्वर हर जगह है तो ये सब होना चाहिए या नहीं? ऐसा कहते हैं कि भगवान ही जीवन है और मरणोपरांत आत्मा शरीर छोड़ के चली जाती है, तो भैया ये जो बॉडी पड़ी रह गई है वो तो भगवान नहीं हुई, फिर ईश्वर सर्वव्यापी कैसे हुआ? और अगर वो है तो फिर लोगों में भेदभाव क्यों है? कोई परमात्मा, कोई देवात्मा, कोई सिर्फ आत्मा क्यों है? फिर तो सबको परमात्मा ही होना चाहिए था। तो आप मानते हैं कि वो सर्वव्यापी नहीं है? देखिए, मैं तो एक व्यापारी हूं और मैं उसी चीजों को मानता हूं जिसमें मुझे लॉजिक दिखता है। इन बातों में मुझे कोई लॉजिक नहीं दिखता, कुछ मुझे समझ में नहीं आता। अगर वो हर जगह है तो फिर अवतार लेके कहां से आता है? दुनिया में इतना पाप क्यों है? छोटी छोटी बच्चियों के साथ ऐसा कुकर्म क्यों हो रहा है? अगर वो हर जगह है तो फिर पूजा भजन प्रार्थना इन सब की जरूरत क्यों पड़ती है? उसे ऊपर वाला क्यों कहते हैं? क्या नीचे कोई और रहता है? पर ये तो सदियों से माना जा रहा है कि हम सब उसके बच्चे हैं। मैं नहीं मानता, इस बात पर मैंने रिसर्च किया है। आप कहते हैं तो मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि हम सब उस ऊपर वाले के बच्चे हैं, तो क्या माता पिता अपने बच्चों के साथ ऐसे लुका छिपी खेलते हैं? वो मेरे माता पिता है ना, मैं कहता हूं मैं उनसे मिलना चाहता हूं, उन्हें देखना चाहता हूं, इसमें गलत क्या है? देखिए, मैं तो बिल्कुल सीधी बात कहता हूं, अगर सब कुछ आपका भगवान करा रहा है तो आज दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है क्या इसकी जिम्मेदारी उसकी नहीं है? अगर अच्छे में वो है तो बुरे में भी वही हुए। अगर आपके माइक में भगवान है तो मेरी कुर्सी में भी वही है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं भगवान के ऊपर बैठा हुआ हूं।
क्या इन सवालों का कोई जवाब है? मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जवाब चाहिए, तभी मैं मानूंगा कि ईश्वर होता है, ये सच है। मतलब कि आप जानना चाहते हैं भगवान कौन है, वो कहाँ रहता है, वो काम कैसे करता है? बिल्कुल। और अगर मुझे इस बात का जवाब नहीं मिलता है, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि ये सब झूठ है, ईश्वर अल्लाह भगवान। मैं अब और नहीं देख सकती हमारी दुनिया में, और जब तू ये प्रोग्राम देख ले तो मेरे कमरे में आ जाना, मुझे उससे कोई जरूरी बात करनी है। क्या बात है, जब से मैं आया हूँ तुम मुझसे बातें नहीं कर रही हो। माँ सुबह कुंभ जा रही हैं। क्या अचानक? तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। लो कर लो बात, मुझे क्या पता होगा। टीवी पर जो तुमने इंटरव्यू दिया है ना, वो माँ ने भी देखा है, और वो तुमसे इतनी नाराज है कि सुबह ही। मैं माँ को मना के आता हूँ। कोई फायदा नहीं है, वो सो चुकी है। मैंने ऐसा क्या कर दिया कि माँ अचानक कुंभ? मैं कल उन्हें मना लूंगा, कोई जरूरत नहीं उन्हें कुंभ जाने की। अभी कल ही टीवी पे आया था, वहां 40 लोगों की मौत हो गई। मुझे समझ में नहीं आता लोग ऐसी जगह पे जाते क्यों हैं। अगर पूजा पार्टी करना है तो घर पे करें ना, फिजूल में वहां जाके गंगा जी के जल को दूषित करना, खुद को परेशान करना और परिवार को भी, मतलब क्या है सब चीजों का। कुछ के लिए कुछ नहीं और कुछ के लिए बहुत कुछ। मैं माँ को कहीं नहीं जाने दूंगा। वो नहीं रुकेंगी। कह रही थी कि तुमने जो पाप किया है ना, उसका प्रायश्चित तो संगम में डुबकी लगाकर ही करना पड़ेगा। बा, माँ जी सुनिए तो, आप इस तरह अकेले जा रही हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मैं बच्ची थोड़ी ना हूं, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। पर माँ जी, तू चुप रह। सुधा, ये यहाँ क्या कर रहा है? माँ आप कहीं नहीं जाओगे। सुधा इसे बोल मुझे देर हो रही है, गाड़ी से उतरे। माँ मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना है, जो सुनना सुनाना था वो कल सबने सुना है, मेरा फैसला अटल है। सुधा माँ से कह दो अगर इनका फैसला अटल है तो मैं भी इनका बेटा हूँ। चके मुझे तो। क्या माँ तुम ये जो मुंह में बोल जाती हो ना। सुधा इससे बोल गाड़ी से उतरे, मुझे देर हो रही है। सुधा तुम क्या इधर उधर देख रही हो, माँ का सामान निकालो और अंदर रखो। रघु चलो। माँ क्या कर रही हो, मेरे पास दूसरे कपड़े भी नहीं है। रघु कहीं नहीं जाओगे। रघु इलाहाबाद से पहले गाड़ी कहीं नहीं रुकेगी, चलो तुम। माँ माँ तू मेरी बात क्यों नहीं सुनती है, मैं क्या पागल हूँ जो बोले जा रहा हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जब कुंभ में डुबकी लगाओगी और बाहर आओगी तो भगवान तुम्हारे सामने आके खड़े होंगे और कहेंगे कि जा तेरे सारे पाप धुल गए, ऐसा कहीं होता है क्या? अगर ऐसा होता तो कुंभ में इतनी मौत क्यों होती, वहां तो लोग भगवान का नाम लेते हुए आते हैं ना, सुबह सुबह पानी में डुबकी लगाते हैं, फिर भी ऐसा होता है। रघु क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गया, वक्त लगेगा, मैं जाके किसी मैकेनिक को लेकर आता हूँ। कि नास्ती गाड़ी में बैठे ना, खराब तो हुई थी। माँ तुम ये जो मुंह में बोल जाती हो ना, मैं पानी लेने जा रही हूँ। अरे माँ मैं लेके आता हूँ ना। Thank you.
ओम शांति। आप सभी जानते हैं कि आध्यात्मिकता माना वो संबंध जो स्वयं के साथ होता है, जो कि बिल्कुल निस्वार्थ होता है, जिसको हम कहते हैं अनकंडीशनल लव। और ये एक ऐसा संबंध है जो हमारे अंतर मन से आता है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। हमें इस प्रेम को अनुभव करना है तो हमें अपने स्वयं को जानना बहुत आवश्यक है, और उसके लिए ये पहचान कि मैं कौन हूँ ये बहुत ज़रूरी है। ये एक ऐसा प्रेम है, यदि इस प्रेम की किसी को भी लगन लग जाती है तो स्वयं को तो हम आध्यात्मिकता में देखते ही हैं, साथ ही साथ औरों को भी हमारी जो दृष्टिकोण है वह भी बन जाता है आत्मिक दृष्टिकोण। ओम शांति। नमस्ते। कैन आई हेल्प यू? जी शुक्रिया। दरअसल गाड़ी खराब हो गई है और माँ को पानी लेना था, ये आश्रम देखा तो आ गया। वैसे आप? मेरा नाम शांति है, मैं यहाँ राजयोग का टीचर हूँ, मेडिटेशन सिखलाती हूँ। आप कहीं जा रहे थे? जी कुंभ। तो धर्म में लगता है आपकी काफी आस्था है। जी नहीं, मेरी माँ जा रही हैं, मैं तो बस उनके साथ। लगता है माँ से आपका काफी प्यार है, तो माँ को आप अकेले नहीं भेजना चाहते हैं, इसलिए आप उनके साथ जा रहे हैं। वो बुजुर्ग हैं, दरअसल मेरी और उनकी ज्यादा जमती नहीं है। उन्हें पूजा पाठ, भजन पूजन, भगवान, इन सब में बहुत यकीन है, और मुझे जरा भी नहीं। मुझे इन सब चीजों में कोई लॉजिक नजर नहीं आता है। लॉजिक? बैठिए बैठिए बैठिए। अगर आपको लॉजिक मिले तो आप उसको स्वीकार करेंगे? अगर दिखाई देगा तो जरूर स्वीकार करूंगा। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो दिखाई देती हैं और हम स्वीकार करते हैं, किंतु इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती फिर भी हम मानते तो ज़रूर हैं। जैसे हवा है, दिखाई नहीं देती, हम महसूस करते हैं ठंडी है, गर्म है, ड्राई है, कूल है। इसी प्रकार से कोई एक परम शक्ति है जो आपको और हमें चला रही है, और इस हवा के कारण ही आप, हम और सब जीवित हैं। और आपकी ही बात ले लीजिए, आप भक्ति और स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पर तो हैं ही। स्पिरिचुअलिटी? और मैं? बिल्कुल नहीं। देखिए, माँ के साथ आपका बहुत प्यार है, तभी तो आप कुंभ में उनके साथ जा रहे हैं। Spirituality means a state of unconditional love and acceptance of inner self, the spirit within, and therefore of others. I know you still have a long way to go, but you are on the way. Unconditional love, spirituality. जी, माँ के साथ आपका कोई स्वार्थ नहीं है, आपको माँ से कुछ चाहिए नहीं, फिर भी आप अपना काम, अपना घर छोड़कर उनके साथ जा रहे हैं,
अनकंडीशनल लव मीन्स अ लव डज नॉट अंडरस्टैंड एंगर और ईगो. इसी प्यार की भावना ने आपको बांधा हुआ है. अगर ये भी ना होता तो बस फिर तो काम हो गया होता. मतलब कि साहब गाड़ी ठीक हो गई है. आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो. आशा है फिर मिलेंगे. ओम शांति. देखो माँ जी यहीं कहीं होंगे, तुम उनको लेके चलो, मैं आता हूं. दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो दिखाई नहीं देती, फिर भी हम मानते तो जरूर हैं. हवा है, दिखाई नहीं देती, हम महसूस करते हैं. स्पिरिचुअलिटी मीन्स अ स्टेट ऑफ अनकंडीशनल लव. अनकंडीशनल लव मीन्स अ लव डज नॉट अंडरस्टैंड एंगर और ईगो. इसी प्यार की भावना ने आपको बांधा हुआ है. हाँ हाँ आ जाऊंगा, क्यों परेशान हो रही हो. बिल्कुल साहब. साहब मेले में भगदड़ मच गई. क्या? मैंने सब जगह माँ को ढूंढा पर माँ मिल नहीं रही. हेलो. हाँ सुधा. नहीं अभी तक तो कुछ पता नहीं चला. मैं अभी पुलिस स्टेशन से मिसिंग रिपोर्ट लिखवा के निकल ही रहा हूँ. हाँ हाँ जैसे ही माँ के बारे में कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें फोन करूँगा. हाँ अपना ख्याल रखना. साहब एक बार फिर से सब जगह देखना है क्या? 8 दिन से देखे तो रहे रखो. सब जगह देखी, कहीं नहीं मिली माँ. सब मेरी वजह से ही हुआ. सुधीर तू बिल्कुल मूर्ख है, बिल्कुल पागल. जा मैं तुझसे बात ही नहीं करती. लो देख लिया अपने भगवान का जलवा. सुबह सुबह माँ बेटे में झगड़ा करवा दिया. आजकल कलयुग है, घोर कलयुग. इसीलिए तो वो किसी को दिखाई नहीं देते और इसीलिए मुझ जैसी औरत के घर में तुझ जैसा बेटा पैदा हुआ है. रघु गाड़ी रुको. ओम शांति.
ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है और इस मुसाफरी में हम सभी यात्री हैं, और ट्रेन में यात्रा के दौरान हम सब एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, खाना आदि भी शेयर करते हैं, और बातचीत करते बड़ा खुशी से, आनंद से वो मुसाफिरी तय कर लेते हैं। जब उनका या अपना स्टेशन आता है तो हम उतर जाते हैं। उनके उतरने का कोई गम, कोई दुख हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि उनसे मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं, ना ही उसके उतरने पर आँखों से पानी छलकता है। परंतु यही बात अगर अपने रिश्तेदारों के साथ हो तो मन एकदम स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि मोह के बंधन में बंधे हुए हैं। जैसे अगर कोई रिश्तेदार चला जाए या हमारे से बिछुड़ जाए तो हमें दुख होगा, अशांति होगी, और हमें ऐसा महसूस होगा कि मैं उनके बिना जी नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरा उनके साथ अति मोह, अति ममत्व है। हम सब जानते हैं इस दुनिया में अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय है। हर एक की अपनी अपनी रीति से अलग अलग धर्म में श्रद्धा और भावना है, और उसी प्रकार से वो जप, तप, कर्म कांड, तीर्थ यात्राएं करते हैं। और उसमें एक ऐसा वर्ग है जो ये मानता है कि भगवान है ही नहीं, जिसे हम नास्तिक कहते हैं। परंतु ये बात करते करते मुझे एक घटना याद आई। एक बार एक सेमिनार चल रहा था और उस सेमिनार का विषय था वेदर गॉड एग्जिस्ट। अनेक विद्वान, आचार्य और पंडित उसमें भाग ले रहे थे, और हर एक ने सिद्ध किया कि भगवान है, पर उन्हीं में ही एक नास्तिक था। और उस नास्तिक ने बहुत अच्छी तरह से ये स्पष्ट किया कि भगवान है ही नहीं, और अंत में जब उसने अपनी स्पीच का कंक्लूजन किया तो कहा, थैंक्स गॉड, आई हैव प्रूवन दैट देयर इज नो गॉड। कहने का भाव, मनुष्य के भीतर किसी कोने में भगवान है वो स्वीकार करता है, परंतु अपने अहम के कारण बाहर से स्वीकार करने में वो कतराता है। Thank you.
ये सब क्या हो रहा है? आज बहुत अच्छा शुभ दिवस है जो आप आज यहाँ आए। शिवरात्रि की तैयारी हो रही है। शिवरात्रि मतलब शिव का जन्मदिन? जी। लेकिन वो तो दिन में होता है ना, रात में क्यों? ये चीज मुझे कभी समझ में नहीं आती। आप जिस रात के लिए सोच रहे हैं ये वो रात नहीं है, ये अज्ञानता और पापों की रात है। अज्ञानता और पाप की रात? जी, आइए मैं आपको समझाती हूँ। तो कलयुग की अंधेरी रात में जब चारों तरफ तमोगुण का वातावरण होता है, बहुत पाप, अत्याचार और विकार बढ़ जाते हैं, मनुष्य अति दुखी हो जाता है, विकारों की अंधेरी रात होती है, उस समय कलयुग के अंत में वो परमात्मा शिव जो परम ज्योति है अवतरित होते हैं और मनुष्य आत्माओं को दुखों से, पापों से, अशांति से मुक्त करते हैं। तो हमें भी अपनी आत्मा को उस परम ज्योति से जोड़ करके उस शांति का अनुभव करना है। तो ऐसा माना जाता है कि ये एक सिंबॉलिक फेस्टिवल है जी, जहां शिव हम सबकी अज्ञानता दूर करने आते हैं। शिव मतलब भगवान? जी नहीं, शिव अर्थात कल्याणकारी ज्योति स्वरूप। वो ज्योति स्वरूप परमात्मा हमें ज्ञान की रोशनी देते हैं जिससे हमारे अज्ञान अंधकार को समाप्त करते हैं और हम परमात्मा शिव के सत्य स्वरूप को पहचान करके उस शांति के सागर से शांति प्राप्त करते हैं। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या मेरे मन की अशांति दूर हो सकती है? क्या शिव याद से मेरे मन को शांति मिल सकती है? क्यों नहीं, जरूर मिलेगी। आप अवश्य प्रयास कीजिए, आप जरूर शांति का अनुभव करेंगे। ओम शांति। सुधीर भाई, सुधीर भाई। दीदी, मेडिटेशन आंखें बंद करके नहीं करते हैं। आंखें बंद करने से सारा संसार मन में घूम जाता है। मेडिटेशन इज अ टेक्निक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। इसलिए आप अपने मन को श्रेष्ठ विचार दीजिए कि आई एम पीसफुल, लवफुल, प्योर, पावरफुल सोल एंड सन ऑफ सुप्रीम ऑलमाइटी अथॉरिटी, द वन हु इज पॉइंट ऑफ लाइट, शिवा, उसका बच्चा हूँ। और उस ऑलमाइटी से जो शांति का सागर है, उससे शांति की किरणें आपके अंदर आएंगी और वो शांति के वाइब्रेशंस आपके चारों ओर फैलेंगे। तो आप एक अति मधुर शांति का अनुभव करेंगे और चारों तरफ भी शांति ही शांति अनुभव करेंगे। ठीक है,
दीदी उस दिन मैं आया था जी, तो मैंने देखा सब अपना काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, फिर अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि सब रुक गए, सब कुछ शांत हो गया। क्या था वो? ट्रैफिक कंट्रोल। ट्रैफिक कंट्रोल? जी, आप सोच रहे होंगे ये कौन सा ट्रैफिक कंट्रोल है, ट्रैफिक तो था ही नहीं, लेकिन ये है हमारे विचारों के ट्रैफिक को कंट्रोल करने की एक विधि। जैसे ही गीत बजता है, जो भी कोई कार्य कर रहा होता है वहाँ खड़ा हो जाता है, अपने विचारों को कंट्रोल करके एक सेकंड में उसको ब्रेक लगाने की प्रैक्टिस, कि वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, सेल्फ पर रूल कर सकते हैं। आपके केस में ज़रूर माँ के कारण आपको विचार आते होंगे, स्वाभाविक है, परंतु ये मेडिटेशन की प्रैक्टिस एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हमारे विचारों को कंट्रोल करके एक पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशंस भेजती है। तो आप सारा दिन में एक एक घंटे में एक मिनट के लिए यू जस्ट ट्राई टू गो विद इन एंड हैव अ पावरफुल पॉजिटिव थॉट दैट आई एम पीसफुल पावरफुल एंड प्योर सोल एंड सेंड वाइब्रेशंस टू योर मदर। वो जहाँ हैं, जिधर हैं, बहुत अच्छी हैं और ज़रूर लौट करके आएंगी। ये वाइब्रेशंस बहुत असर करते हैं। ट्रैफिक से शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से ये तुमको क्या हो गया? क्या हुआ? बिल्कुल ठीक तो हूँ। कहाँ ठीक हो? पता नहीं कौन सी बात है जिस पर तुम ऐसे मुस्कुराते रहते हो। कोई फिक्र नहीं, किसी बात की कोई चिंता नहीं, और यहाँ तक कि माँ के बारे में भी कुछ पता नहीं करते। हाँ बिल्कुल ठीक है, जल्दी घर आ जाएंगे। क्या तुम्हारी किसी से बात हुई है क्या? बताओ ना, तुम तो कुछ बताते भी नहीं हो। ओम शांति। माँ, सुधीर, माँ, माँ आप ठीक तो हैं? और कहाँ थी इतने दिन? माँ, आपको पता हम लोग कितने परेशान हो गए थे। मैं ठीक हूँ बेटा। और आप इतने दिन थी कहाँ? उस दिन मेले में? उस दिन क्या हुआ मुझे नहीं पता, भीड़ का एक धक्का लगा और मैं गिर गई। उसके बाद क्या हुआ, कैसे हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। और जब होश आया तो मैं इनके घर पर थी। और भगवान की लीला देखो, ये डॉक्टर हैं, यूं समझो कि मुझे नई जिंदगी देने वाले यही हैं। ये कुछ दवाइयां हैं, और यदि इस बीच में कोई तकलीफ हो तो ये मेरा कार्ड है, इसे रख लें और कभी भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। अच्छा मैं चलता हूँ। जब से गई थी ना ये बहुत बदल गए हैं। क्या मतलब? सुबह सुबह कहीं चले जाते हैं, दिन भर मेडिटेशन करते हैं, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है। मेडिटेशन? सुधीर तू कब से मेडिटेशन करने लगा? माँ, तुम जिस भगवान के बारे में हमेशा बात करती हो ना,
मैंने तो उन्हें देख भी लिया। ये तो क्या कह रहा है सुधीर, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा।
शांति। परमपिता परमात्मा ने स्वयं की उन्नति के लिए आत्मचिंतन उत्थान की सीढ़ी है, पर चिंतन पतन की जड़ है। इसलिए कभी भी किसी के भी अवगुण को ना देखकर उनके गुणों को देखना है। चाहे उसमें 99 अवगुण है, लेकिन एक गुण है, हमारी दृष्टि उसके एक ही गुण पर हो और वही गुण उसको आगे बढ़ाएगा और उसके जीवन का परिवर्तन करेगा। यही परमात्मा की हम आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ शिक्षा है, श्रीमत है। जितना उसको हम अपने जीवन में धारण करेंगे, उतना जीवन में खुशी, आनंद, सुख, शांति की प्राप्ति होगी। ओम शांति। परमात्मा निराकार ज्योति स्वरूप शिव है, जिसके अवतरण की स्मृति में शिवरात्रि मनाते हैं। केवल शिव ही की वंदना परमात्माय नमः कहकर की जाती है। अन्य सभी की वंदना में देवाय नमः कहते हैं। हम जिनकी भक्ति पूजा करते हैं, उनका जब हमें यथार्थ परिचय प्राप्त होगा, तभी हम सत्य को जान सकेंगे। Click here to like and subscribe our channel and press the bell icon to stay updated with the latest videos.